औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर, अपने जनरल सेक्रेटरी और दूसरे अहदेदारों के यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, सोपोर के बारे में बात करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। सोपोर जो कदीम ज़माने से ये माना जाता है कि ये छोटा लंदन के नाम से भी पुकारा जाता है, इसको एप्पल टाउन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, जबकि सोपोर की अपनी तारीखी हैसियत है। लेकिन पिछले कई दहाइयों से बदकस्मती सोपोर को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। सोपोर अब मसाइलिस्तान का शहर बन गया है। हुकूमत की अज़्म तवज्जो की वजह से सोपोर इस वक्त मसाइल में डूबा हो चुका है। पिछले 30 साल से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है सोपोर। बार बार हुकाम को यकीन दहानी करने के बावजूद भी सोपोर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। सोपोर ट्रेडर्स इस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो इस तरह मबजूल करना चाहती है कि सोपोर में जो एजुकेशन का सिस्टम है बहुत ही ख़राब हो चुका है, खासकर प्राइमरी लेवल पर बहुत ही ख़राब हो चुका है। सोपोर में इस वक्त एक बॉयज़ हायर सेकेंडरी है, एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी है और एक डिग्री कॉलेज जो कदीम ज़माने से चला आ रहा है। अभी तक जो यहाँ पर जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल या गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, इसमें बच्चों की काफ़ी तादाद है और जगह बैठने के लिए भी नहीं। हमने कई बार हुकाम से ये मुतालबा किया था, गुजारिश की थी कि एक और हायर सेकेंडरी बॉयज़ और गर्ल्स का क़याम अमल में लाया जाए ताकि इन जो वहाँ पर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बने हुए उन पर भी रश ज़्यादा न पड़े। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये इदारे इस वक्त बड़ी इसमें हैं और इसी सिलसिले में जो बुनियादी सहूलियत सोपोर की है, खासकर पानी हो, सड़क हो या सेहत सफाई के हवाले से, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। कई बार हुकाम से इल्तिजा करने के बावजूद हुकाम हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अभी इस वक्त बैक टू विलेज चल रहा है या ये टाउन दिवस चल रहा है, लेकिन सोपोर के साथ इस वक्त भी नाइंसाफ़ी हो रही है। पिछले कई सालों से हमने ये डिमांड कर रहे हैं कि सोपोर को ज़िले का दर्जा दिया जाए। अब हम ज़िले के दर्जे का भी नहीं, हम कहते हैं बुनियादी सहूलियत आप सोपोर को दे दो। जैसे पानी की किल्लत है, इस वक्त भी पानी की कई इलाकों में पानी की किल्लत है और सड़क बिजली की गैर मुनासिब कटौती की जा रही है। बिजली का जो शेड्यूल है वो अमलाया नहीं जा रहा है और सड़कों का हाल देख लो, सड़कों की हालत बहुत बुरी है। हम हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि सोपोर की तरफ तवज्जो दी। आज हमने यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर एमपी सिंह से भी मुलाकात की, जो इनकम टैक्स के मसाइल थे सोपोर के ताजिर बरादरी को या और लोगों को, इससे हमने उनकी नोट्स में लाई जो आप लोग जो ताजरों को जो नोट्स शुरू होते थे, हमने उनसे ये इस्ता की कि बिला किसी खौफ कोई उनमें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, कोई किसी को भी अगर किसी किस्म की इनकम टैक्स से नोटिस शुरू हो जाए, हाँ हमारी नोट्स में वो लाए, इंशाल्लाह हम इसका इजाला करेंगे। आज हमने इनकम टैक्स कमिश्नर से भी इस सिलसिले में बात की और उससे हम और इसका ऑफिस जो इनकम टैक्स का वो बारामूला में शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियत, उनको श्रीनगर ना आना पड़े और उनको सहूलियत हो जाए कि वो बारामूला में अपना काम काज करेंगे। इस सिलसिले में इनकम टैक्स कमिश्नर एमपी सिंह साहब ने हमारी पूरी जो डिमांड थी उनका पूरा तवज्जो और हमें इत्मीनान दिया कि हम आपकी जो डिमांड्स है या आपके जो शिकायत है आगे अफसरों तक ले जाएंगे और इनका इजाला करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो डिवाइडर्स का मामला है वो भी हमने अभी एसपी साहब से उसमें बात करी तो सोपोर उसने हमें इत्मीनान दे दिया कि हम इस सिलसिले में पूरी तरह से ये काम कर रहे थे, इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर एसपी साहब के मुताबिक एक हफ़्ते के अंदर इसको हम ठीक करेंगे।
हम हमें हुकाम से यही तवक्का रखते कि हमारी उन मांगे हैं उनको गोश गुजार करके सोपोर को एक शहर का दर्जा दे देंगे।